हेलो दोस्तों, मैं विकास मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ जीडीपी। जीडीपी क्या है, आइए जीडीपी के बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। देखते हैं, आजकल बहुत लोग कहते रहते हैं कि जीडीपी भारत की कम हो गई, ज़्यादा हो गई, तो जीडीपी है क्या, आइए जानते हैं। जीडीपी, जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में क्या कहेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। ओके दोस्तों, तो इसकी क्या परिभाषा, जीडीपी है क्या, देश की भौगोलिक सीमा के भीतर देश के नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन तथा विदेशी नागरिकों द्वारा देश में उत्पादन का जो अंतिम मूल्य है एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक में, उसे क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। मतलब जो देश के लोग देश में कमाई करते हैं ये, और जो विदेशी लोग विदेशी कंपनियां आकर के हमारे देश में, जो जैसे सैमसंग है, तमाम सारी कंपनियां हैं, तो वो हमारे देश में आकर के जो कमाई करती हैं उनका एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितनी टोटल आय होती है उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। तो इस जीडीपी है, इसकी गणना 2 संस्थाओं द्वारा की जाती है, एक राष्ट्रीय स्तर पर और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो जो राष्ट्रीय स्तर पर गणना होती है उस वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, CSO। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2 मई 1951 को, और इसके जो वर्तमान में चेयरपर्सन हैं, प्रबंध निदेशक कह सकते हैं, वो हैं राव इंद्रजीत सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन मंत्री हैं। हो दोस्तों, और जो इसके गणना का दूसरा स्तर है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर। इस स्तर पर जो गणना करता है वो है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों, इसका मुख्यालय है Washington DC में, इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को। इसके प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, जो कि जर्मनी के हैं। ओके दोस्तों, अगर अन्य किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।